कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े पार सीएम चुनने के लिए कल बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक। कोल्लेगल, रोन, चामराजनगर, चलकेरे, चामराजापेट सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते। जेडीएस ने भाजपा से छीनी हासन सीट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा दूसरे और जेडीएस तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। चुनाव आयोग ने सभी 224 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े 113 सीट को पीछे छोड़ दिया है और 123 निर्वाचन क्षेत्रों में उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भाजपा 71 और जद एस 24 विधानसभा क्षेत्रों में आगे है। निर्दलीय 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा उन छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है जो आमतौर पर शहरी है और 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र को कवर करते हैं। ऐसे में 33 छोटी सीटों में से बीजेपी 23 पर आगे चल रही है। नवीनतम अपडेट के अनुसार जिन 75 निर्वाचन क्षेत्रों में 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था उनमें से कांग्रेस 41 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल सुबह बेंगलुरु में बुलाई गई है। पार्टी राज्य के चुनाव परिणामों में बहुमत के आंकड़े को पार कर गई और 123 सीटों पर आगे है। भाजपा 71 सीटों पर आगे है और जेडीएस 24 पर, 6 सीटों पर निर्दलीय आगे है। रोन सीट पर कांग्रेस का कब्जा, गुरु शांतप्पा बंदी को हराया। रोन उम्मीदवार क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार गुरुपद गौड़ा सांगना गौड़ा पाटिल विजेता के रूप में उभरे। उन्होंने भाजपा के कलाकप्पा गुरु शांतप्पा बंदी और जद एस के मखतूम सब यमनूर सब मुधोल को हराया। 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बांदी ने पाटिल को 7334 मतों के अंतर से हराया था जो निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल मतों का 4.3% था। इस सीट पर 2018 में बीजेपी का वोट शेयर 49.9% था। कांग्रेस के AR कृष्णमूर्ति ने कोल्लेगल निर्वाचन क्षेत्र से दर्ज की जीत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस उम्मीदवार AR कृष्णमूर्ति ने कोल्लेगल निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बसपा ने N महेश ने AR कृष्णमूर्ति को 19,454 मतों यानी इस सीट पर पड़े कुल मतदान के 11.52% के अंतर से हराया था। सीट पर 2018 में बसपा का वोट शेयर 42.51% था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम कर्नाटक चुनाव में दिखा, अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में जो माहौल देखा गया था उसका परिणाम कर्नाटक चुनाव परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव में दोहराया जाएगा।